हेलो फ्रेंड्स, मैं तन्मय सादरा और आपका स्वागत है मेरे किचन पे। तो आज हम बनाने वाले इंस्टेंट पिज्जा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पिज्जा हमने बिना ब्रेड या बिना ओवन के बनाया, इंस्टेंट पिज्जा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिज्जा का बैटर बनाने के लिए अब हम ले लेंगे 1 कप सूजी, फिर 1 कप दही और 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। अब हम इस सारे चीज को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को भी ऐड करेंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दे देंगे। 10 मिनट के बाद अब हमारा पिज्जा का डो सेट हो चुका है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस में एक पैन को चढ़ाएंगे और उसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। अब हम इसमें हमारा पिज्जा का बैटर को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको ढक देंगे और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे और 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट के बाद देखिए हमारा पिज्जा का बैटर कैसे फूल के आया है। अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए हमारा पिज्जा का बैग कितना अच्छा है। अब हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस लिया है और इसके पिज्जा के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा मोज़रेला चीज ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर कैप्सिकम ऐड करेंगे और टोमेटो को भी ऐड करेंगे। अब मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल देता हूँ। इसके ऊपर भी मोज़रेला चीज को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए हमारा पिज्जा अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब मैं पिज्जा को काट लूंगा। तो लीजिए हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है। देखिए पीछे से भी इसका कलर आ गया है। देखिए दोस्तों, हमारा इंस्टेंट पिज्जा 15 से 20 मिनट में ही रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।